गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में 22 दिसंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, सवाल क्या है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर या लद्दाख? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के लिए, तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यूनेस्को विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में किसे जोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी को जोड़ दिया गया है। ये तीन स्थान आपको याद रखने हैं, कौन सा स्थान कहां पर है ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, मोढेरा सूर्य मंदिर अगर आपसे पूछे तो ये गुजरात में आता है फ्रेंड्स। कहां पर है? गुजरात। बड़नगर शहर ये भी कहां पर है? तो ये भी है गुजरात में। रॉकट मूर्ति कला उना केटी ये कहाँ पर है? तो ये त्रिपुरा में आता है फ्रेंड्स। और ये तीनों स्थलों को क्या किया गया है? अस्थायी सूची में जोड़ा गया है। किसकी अस्थायी सूची में? यूनेस्को ने अपनी अस्थायी सूची में भारत के तीन स्थलों को जोड़ा है, याद रखेंगे आप सभी। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है मोढेरा। तो फ्रेंड्स, ज्ञात होगा आप सभी को कि जो मोढेरा गाँव है ये क्या है? ये गांव है जो कि कहां पर आता है? तो ये गुजरात राज्य में आता है। और सौर ऊर्जा से चलने वाला, ये पॉइंट अच्छे से आपको याद कर लेना है कि सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का देश का पहला गांव कौन सा है? तो मोढेरा गांव है। और इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उद्घाटन किसने किया था? तो याद रखेंगे, उद्घाटन किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा, है ना। तो ये दो पॉइंट आपको मोढेरा के बारे में याद रखना है। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कि यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हो चुका है, और दूसरा ये गांव आपको याद रखना है। तो आई होप तीनों ऑप्शन आप सभी को क्लियर होंगे। अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है यूनेस्को की फुल फॉर्म। कभी कभार फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे यूनेस्को की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। आगे डिस्कस करेंगे यूनेस्को से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले मोढेरा, बड़नगर और रॉकट मूर्ति कला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद यूनेस्को के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बड़नगर जैसा कि मैंने आपको बताया ये गुजरात में है। यह चमत्कारपुर, आनंदपुर और इसमयपुर, बिमलपुर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सूर्य मंदिर मोढेरा जो कि इसके आसपास के स्मारक मोढेरा पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी यहाँ बहती है? पुष्पावती नदी यहाँ पर बहती है, है ना। रॉकट मूर्तियां उना कोटी याद रखना है, ये कहाँ पर आती हैं? तो ये त्रिपुरा में आती हैं फ्रेंड्स। और अपने विशाल पत्थर और चट्टानों को काटकर बनाई गई यह मूर्तियां काफी प्रसिद्ध हैं, जैसा कि आप सभी पिक के माध्यम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप मोढेरा का सूर्य मंदिर देख लेंगे, ये है फ्रेंड्स मंदिर जो कि कहाँ पर है? तो ये गुजरात राज्य में है, क्लियर। अब देखिए, ये है वो रॉकट यानी कि चट्टानों को काटकर आकृति बनाई गई है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये एक आकृति आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही होगी। तो ये सभी कहां पर है? ये है त्रिपुरा राज्य में, जिन्हें अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, है ना। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं यूनेस्को से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये आता है आपका पेरिस फ्रांस में। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि जो पेरिस है ये किस नदी के किनारे है। यूनेस्को की जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी। यूनेस्को के वर्तमान में प्रमुख है ऑड्रे अजोले, है ना। विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है।
भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, कितने हैं कुल 40 हैं, जिसमें से 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। ये 1 मिश्रित कौन सी है, तो याद रखेंगे कंचनजंगा है फ्रेंड्स। कौन सी है, कंचनजंगा, जो कि एकमात्र मिश्रित धरोहर शामिल है यूनेस्को में भारत की। कंचनजंगा कहाँ पर आती है, तो ये सिक्किम राज्य में है। कहाँ पर, भारत के सिक्किम राज्य में आती है। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी सिक्किम में है और कंचनजंगा अगर चोटी पूछ ले तो याद रखेंगे ये भारत और नेपाल की सीमा पर है, यानी कि सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, ये आपको याद रखना है। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय स्थल कौन से हैं, पहली बार यूनेस्को में किसे शामिल किया गया था, तो देखिए अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये कहां पर आती हैं, आई होप आप सभी को पता होगा, ये महाराष्ट्र राज्य में आती है। ताजमहल कहां पर है, तो ये आपका यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है, और आगरा का किला, ये सभी 1983 में शामिल किए गए थे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत के कुल कितने शहर शामिल हैं, तो 2 शहर शामिल हैं। अब ये 2 शहर कौन से हैं, तो एक तो है अहमदाबाद, अहमदाबाद किस झील के किनारे है कमेंट्स में बताएंगे आप सभी, और दूसरा आपको याद रखना है जयपुर, जयपुर कहाँ, राजस्थान, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है श्रीनगर को। किसे शामिल किया गया है, श्रीनगर को। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, बताइए कि एसियो की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी बनी है, एसियो की सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया है, कमेंट्स में बताएंगे आप सभी इसका आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की जो बैठक है ये कहां पर हुई है, तो देखिए भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की जो बैठक है ये पोर्ट विलियर में हुई है। अब ये पोर्ट विलियर किसकी राजधानी है, तो ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। किसकी है, अंडमान निकोबार की ये राजधानी है, है ना, और यहीं पर इस बैठक का आयोजन किया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे पहले जो बैठक हुई है वो कहां पर हुई थी, तो 2019 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसे आयोजित किया गया था। जकार्ता किस द्वीप पर आता है फ्रेंड, तो जकार्ता आता है जावा द्वीप पर। अब आप बताएंगे कि इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या है, इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। फ्रेंड्स कहाँ पर आता है, तो यहाँ आप देखेंगे ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये कौन सा है, तो याद रखेंगे ये बंगाल की खाड़ी में आता है। ये भी पूछ लेता है, बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो अंडमान निकोबार भारत का केंद्र शासित प्रदेश है ये अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में आता है, तो याद रखेंगे ये आपका बंगाल की खाड़ी में आता है। जबकि लक्षद्वीप अगर आपसे पूछे, लक्षद्वीप अगर आपसे पूछ ले, तो ये आपका अरब सागर में आता है। कहां पर, अरब सागर, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, याद रखेंगे आप सभी। तो देखिए बैरन और नारकुंडम जो कि भारत के ज्वालामुखी हैं और ये कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। बैरन कैसा ज्वालामुखी है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है एकमात्र भारत का, और नारकुंडम जो ज्वालामुखी है ये भारत का मृत ज्वालामुखी है। हैबलॉक द्वीप, रॉस द्वीप और नील द्वीप, ये तीनों ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, और पोर्ट विलियर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि जो सेलुलर जेल है ये कहाँ पर है। अगला सवाल है कि पहली बार जनजातीय शीतकालीन जो उत्सव है इसकी मेजबानी किसने की है, तो देखिए जनजातीय शीतकालीन जो उत्सव है ना ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। कहाँ पर,
तो याद रखना है आप सभी को, इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के किस जिले में, बांदीपोरा जिले में इसे आयोजित किया गया जनजातीय उत्सव। फ्रेंड्स इस उत्सव में संगीत नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ना। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये कहाँ पर हुआ है, जम्मू कश्मीर में। हैरत उत्सव, ट्यूलिप फेस्टिवल, ये दोनों कहाँ पर मनाए जाते हैं, तो ये दोनों ही जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। और साथ ही में याद होगा लेवेंडर फेस्टिवल, ये भी कहाँ मनाते हैं, जम्मू कश्मीर में, है ना। पोइला बोईसाख, ये कहाँ पर, पश्चिम बंगाल। राजा पर्व उड़ीसा याद रखेंगे, ठीक है। जगन्नाथ रथ यात्रा, ये भी आपको उड़ीसा याद रखना है। इसके अलावा याद रखेंगे हरेली उत्सव, तो देखिए हरेली और हरेला दोनों में सिर्फ एक मात्रा का डिफरेंस है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो हरेली पूछे तो छत्तीसगढ़ याद रखेंगे, और अगर आपसे हरेला पूछ ले तो आपको उत्तराखंड याद रखना है ना। हरेला कहाँ पर मनाते हैं, उत्तराखंड में, और हरेली मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। कृषि से संबंधित नुआखाई जो उत्सव है ये कहाँ मनाते हैं, तो ये उड़ीसा में मनाते हैं फ्रेंड्स, कहाँ पर, उड़ीसा। जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो जल्लीकट्टू कहाँ का है, तमिलनाडु का है। अब डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में, तो मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बारे में क्या क्या आपको याद रखना है, तो देखिए पहला सवाल कि केंद्र शासित प्रदेश कब बना, ये तो अच्छे से आप सभी को याद हो गया होगा, 31 अक्टूबर 2019, है ना। जम्मू कश्मीर की जम्मू शीतकालीन राजधानी है, जबकि श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ के जो वर्तमान में उपराज्यपाल है इनका नाम है मनोज सिन्हा। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्कों में आता है किस्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और दाचिंगम नेशनल पार्क आता है ना। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है ये कौन सी झील है, बूलर झील। और बूलर झील कहाँ पर आती है, तो बूलर झील आती है आपकी जम्मू कश्मीर में, है ना। कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जोड़ता है। जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं हैं, और पांचों ही भाषाएं आप सभी को याद रखनी है अच्छे से, हिंदी, उर्दू, डोंगरी, कश्मीरी और अंग्रेजी। प्रमुख बांध है बगलीहार बांध, दुलहस्ती बांध, और ये दोनों ही बांध चिनाब नदी पर बनाए गए हैं। उरी द्वितीय बांध ये झेलम नदी पर बनाया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वॉटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स ये पहला जहाज जो है ना जो कि लॉन्च किया गया है, इसका नाम है INS अर्नाला, याद रखेंगे आप सभी फ्रेंड्स। ये जो एक प्रोजेक्ट के तहत 8 जहाज ऐसे बनाए जाएंगे जिसमें से ये पहला है ना। इनका निर्माण कौन कर रहा है, तो गार्डन रीज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के सहयोग से इनका निर्माण किया जा रहा है। और अर्नाला याद रखेंगे ये पहला है ना, पूछा जा सकता है आपसे। हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र डॉक्टर ऋषि राजपोपत ने किस भारतीय संस्कृत ग्रंथ के 2500 वर्ष पुराने नियम को डिकोड किया है, तो फ्रेंड्स इन्होंने अष्टाध्यायी को डिकोड किया है। अब आप मुझे बताएंगे कि जो अष्टाध्यायी है ना ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके लेखक कौन है। देखिए करंट में आ गया है यानी कि सुर्खियों में है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड आपसे आगामी परीक्षा में पूछ लेगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। करंट में होगा वो आपका जीके जीएस से रिलेट करके पूछ लेगा, है ना। तो इसके लेखक आप मुझे बताएंगे। ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, INS विराट को जाना जाता है। सागरिका क्या है, तो भारत की पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है ना। INS विक्रांत क्या है, तो ये विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बिजली बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए किस देश ने PTC इंडिया के साथ साझेदारी की है। तो देखिए बिजलियों की बिजली की खपत को पूरा करने के लिए जो ये साझेदारी की गई है ना वो भूटान के द्वारा की गई है। किसके द्वारा, भूटान के द्वारा। अब डिस्कस करेंगे भूटान के बारे में, तो देखिए भूटान के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। पहला सवाल कि भूटान से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो फ्रेंड्स यहां पर आप देखेंगे ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा भूटान, है ना।
तो भूटान से किस किस की सीमा लग रही है, तो यहाँ आप देखेंगे ये है सिक्किम, नीचे आ जाएंगे तो ये है बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, फिर है अरुणाचल असम, और इसके बाद आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये सभी किससे अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, तो भूटान के साथ ये सीमा बना रहे हैं। इसके अलावा याद रखना है भूटान की जो राजधानी है वो थिम्बू है, भूटान के वर्तमान में पीएम लोटे त्शेरिंग है, जबकि भारत भूटान के बीच कितने किलोमीटर बॉर्डर है, तो 699 किलोमीटर है ना। भारत और भूटान सीमा की रक्षा कौन करता है, तो सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, तो एसएसबी करता है। अब आपको बताना है कि एसएसबी के वर्तमान में प्रमुख कौन है, बताइए एसएसबी के वर्तमान में प्रमुख कौन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो देखिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी जो कार्यक्रम है ना ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। आखिर ये कार्यक्रम है क्या फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि किताबों को सीधे उन लोगों को प्रदान किया जाना जो राज्य द्वारा संचालित पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में पहुंचने में असमर्थ है, जैसे कि बुजुर्ग हुए, अस्पताल के मरीज हुए, या फिर विकलांग हुए, है ना। तो ये क्या किया जाएगा, इसमें स्वयंसेवक इन लोगों को पुस्तकालय से किताब देंगे, है ना। तो ये तमिलनाडु सरकार द्वारा बनाया गया है। डिस्कस करेंगे तमिलनाडु लेटेस्ट करेंट अफेयर, तो देखिए तमिलनाडु सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। तमिलनाडु के सीएम ने महाकवि सुब्रमण्यम की जो प्रतिमा है इसका अनावरण वाराणसी में किया है, कहां पर, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। करती गई जो दीपम रथ उत्सव है ये हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा मनाया गया था। अगला सवाल है कि हाल ही में जारी 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो देखिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा जो सूचकांक है ना ये द इकोनॉमिस्ट के द्वारा प्रकाशित किया गया है। द इकोनॉमिस्ट क्या है, तो ये ब्रिटिश साप्ताहिक है, ठीक है, जिसके द्वारा खाद्य सूचकांक प्रकाशित किया गया है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत तीसरे स्थान पर रहा है, याद रखेंगे आप सभी। किस अभिनेत्री को हाल ही में पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया है, सोनाक्षी सिन्हा को। किस देश के द्वारा समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई है, तो ये जो मंजूरी है ना ये अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन जी के द्वारा दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित कैप टू रियो रेस के 50वें संस्करण में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल होगा, तो फ्रेंड्स ये जो दौड़ है ना इसमें भारत का जहाज शामिल होगा आईएनएस तारिणी, याद रखेंगे आप सभी, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, है ना। तो केप टाउन रियो डी जेनेरियो दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित ट्रांस अटलांटिक महासागर दौड़ में से एक है, जिसमें भारत का कौन सा जहाज शामिल हो रहा है, तारिणी। इसके कैप्टन कौन है, तो इसके कैप्टन है अतुल सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है, तो फ्रेंड्स देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है ना ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि हमारे भारत ने इसकी लॉन्चिंग की है, तो आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, है ना। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, देखिए भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अपनी वर्तमान अध्यक्षता के दौरान, अध्यक्षता इस समय कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है ना, शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है, एस जयशंकर हैं, और इन्होंने घोषणा की है कि नई दिल्ली के पास जल्द ही एक डेटाबेस होगा जो शांति सैनिकों के खिलाफ सभी अपराधों को रिकॉर्ड करेगा, जो शांति सैनिक हैं इनके खिलाफ अगर कोई अपराध होता है तो उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, दिल्ली में एक ऐसा डेटाबेस तैयार किया जाएगा, ये कहा गया है विदेश मंत्री के द्वारा, ठीक है। तो भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को, नेपाल इस समूह के सह अध्यक्ष हैं।
अगला सवाल है कि निम्न में से किस स्पेनिक टेनिस खिलाड़ी को पांचवी बार पुरुष अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियन 2022 नामित किया गया है। तो 2022 विश्व चैंपियन बन गए हैं राफेल नडाल, है ना, पांचवी बार बने हैं फ्रेंड्स। इससे पहले ये 2008 में रहे हैं, 10 में रहे हैं, 17 में और 19 में भी ये रह चुके हैं। महिलाओं में अगर पूछ ले, देखिए पुरुषों में पूछे तो राफेल नडाल है, महिलाओं में अगर पूछ ले तो याद रखेंगे ईगा स्वेटेक है। महिलाओं में कौन बनी है चैंपियन? ईगा स्वेटेक बनी है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका सही आंसर है पुडुचेरी। सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, है ना। तो देखिए तीन महत्वपूर्ण आयाम होते हैं इस सूचकांक को जारी करने के, जिसमें बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, कल्याण की नींव और अवसर के 12 घटकों के आधार पर राज्यों और जिलों का आकलन किया जाता है। तो देखिए आपसे अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। अगर वो आपसे जिला पूछ ले एग्जाम में तो जिला होगा आइजोल। अब ये आइजोल कहाँ पर आता है? मिजोरम में। सेकेंड नंबर पर आएगा सोलन हिमाचल प्रदेश। थर्ड नंबर पर आएगा शिमला हिमाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष राज्य में आपको याद रखना है पहले पे पुडुचेरी, दूसरे पर लक्षद्वीप, तीसरे पर गोवा, चौथे पर आपको सिक्किम याद रखना है और पांचवे पर मिजोरम आपको याद रखना है। कल की क्लास का रिवीजन करेंगे फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेजबानी की जाएगी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। हाल ही में खबरों में रही सैला सुरंग किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। खबरों में रहा ताल छापर अभ्यारण किस राज्य में है? तो ये राजस्थान राज्य में है। जिला खनिज फाउंडेशन योजना के तहत भारत का सबसे अधिक वित्त प्राप्त करने वाला जिला कौन सा बना है? क्योंझर। और ये कहां पर आता है? उड़ीसा राज्य में। निम्न में से किस मंत्रालय ने संसद में बाजरा खाद्य उत्सव का आयोजन किया है? तो कृषि मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु सरकार ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के माध्यम से इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले सिक्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? बजाज आलियांस। हाल ही में किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेट्स गुड ब्रांड जिसका नाम है इंडिपेंडेंस पूछा जा सकता है, है ना, तो इसे किसने लॉन्च किया है? रिलायंस ने लॉन्च किया है फ्रेंड्स, रिलायंस कंपनी ने। संयुक्त राष्ट्र नेचर डील के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत ग्रह को संरक्षित करने की मांग की गई है? 30%। रायतु बंधु किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की योजना है? तो तेलंगाना सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय नौसेना में शामिल हुई पांचवी स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS वागीर इसका नाम है। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति SJ कानिया थे, है ना। अब आप मुझे बता दीजिए कि 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं भारत के? सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? M. फातिमा बीबी। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जो जलाशय हैं, इनका निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर किया गया है। भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए भीमबेटिका प्रसिद्ध है। और कहां पर है? मध्य प्रदेश में। किसे विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है? सेंटोस को। और ये कहां पर आता है फ्रेंड्स? तो ये ब्राजील में आता है। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? दिल्ली का है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद्रवरदाई के द्वारा की गई है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। कल के क्लास में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, इनके आंसर एक बार डिस्कस करेंगे। तो देखिए
भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का जो उद्घाटन है ये केरल में किया गया है। महिलाओं के हस्ताक्षर वाला जो नोट है ये अमेरिका ने छापा है। भारतीय अनुमृग की उस उपजाति जो कि पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बची है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से संरक्षित प्रसिद्ध है। तो देखिए याद रखेंगे कान्हा किसली नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में आता है। किस भारतीय किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पचमणि को कहा जाता है। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो फ्रेंड्स पहला सवाल है कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बरह के 13वें संस्करण में भाग लिया? अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार के पास राज्यों को बनाने की शक्ति है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।